नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करेंगे, तो कैसे किस तरीके से हम लोग फॉन्ट की साइज और कलर को यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल में डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी तक हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके आया हूँ एचटीएमएल में कैसे कलर और साइज को डिफाइन करते हैं। डियर, तो हमारा जो आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, ये हमारा जो प्रैक्टिकल होगा, ये हमारा क्या करेगा, फॉन्ट की साइज को और कलर को डिफाइन करेगा। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करते ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एचटीएमएल टैग इस्तेमाल करते हैं। एचटीएमएल टैग हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, बॉडी टैग हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हमको क्या करना है, पी टैग डिफाइन करना है ना, क्योंकि हमें अगर जब तक पैराग्राफ नहीं बनाएंगे और पी टैग में हमको क्या करना है, फॉन्ट की साइज यहाँ पे देना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या लिख लिया, फॉन्ट की साइज, यानी फॉन्ट हमारा क्या होगा, यानी फॉन्ट साइज हमारा क्या होगा। ये ध्यान रखिएगा, फॉन्ट साइज, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, फॉन्ट साइज डिफाइन कर लिया। जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल टू सपोज दैट, मान लीजिए हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज की बात अगर कर लें तो फॉन्ट साइज हमने क्या रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं, दो तीन कुछ भी रख सकते हो। चलो हमने यहाँ पे फॉन्ट की साइज क्या रख लिया, 3 रख लिया, ओके। और कलर हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, कलर की बात कर लें भाई, कलर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया रेड, कलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ पे रेड डिफाइन कर लिया, ओके, कलर हमारा क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टैग को तुरंत यहाँ पे क्लोज करके तुरंत क्या करेंगे, और यहाँ पे जो आपका कंटेंट होगा, कंटेंट आपका क्या होगा, सपोज दैट यहीं पे हम क्या लिख दें, कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट हमने दे दिया यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, हमने क्या दे दिया, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, जिस पे हमको कंडीशन अप्लाई करना है, हमने यहाँ पे यूनिक ऑनलाइन ग्रुप को टाइप कर दिया, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, ओके, यूनिक ऑनलाइन गुरु हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, फॉन्ट को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे डियर, फॉन्ट को बंद कर देंगे, यानी फॉन्ट हमारा क्लोज हो गया, ओके, बिल्कुल हमारा फॉन्ट यहाँ पे क्लोज हो गया। पैराग्राफ आप बंद करना चाहते हो, पैराग्राफ भी बंद कर दो, उसी लाइन में बंद कर दो, आगे बंद कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो पैराग्राफ क्लोज कर दो, ओके। अब क्या करेंगे, फॉन्ट हमारा बंद हो गया, पैराग्राफ बंद हो गया, इस तरीके से और भी हमें सपोज दैट और भी कोई काम करना है, फिर हमने यहाँ पे पी टैग लगा दिया, क्या लगा दिया डियर, पी टैग हमने फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, फॉन्ट यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे ओपन कर लिया, यानी फॉन्ट टैग का इस्तेमाल जरूर यहाँ पे करेंगे, ठीक है, हमने फॉन्ट और फॉन्ट साइज यहाँ पे डिफाइन करना है, हमने यहाँ पे साइज डिफाइन कर लिया, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज हमारा यहाँ पे सपोज दैट 2 होना चाहिए, हमने यहाँ पे 2 रख दिया, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। कलर हमको डिफाइन करना है, हमने यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर लिया, कलर क्या लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कलर ब्लू रख देंगे, ठीक है, कलर क्या रखेंगे, ब्लू रख देंगे, हमने यहाँ पे ब्लू रख दिया कलर, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, यूनिक ग्रुप हमने यहाँ पे लिख दिया, यूनिक ग्रुप हमने लिख दिया, ओके, यूनिक ग्रुप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तुरंत हम क्या किए, फॉन्ट को बंद कर दिए ना, फॉन्ट साइज हमारा क्या साइज हो, उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फॉन्ट हमारा बंद हुआ, पैराग्राफ बंद हो गया, ओके, पैराग्राफ हमारा बंद हो गया। अब क्या करना है, बॉडी ओपन था, बॉडी बंद कर दो, हमने यहाँ पे बॉडी बंद कर दिया, एचटीएमएल बंद कर दिया, ठीक है, एचटीएमएल हमारा बंद हो गया, ओके। तो डियर आज हमने देखा कि फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का कलर कैसे हम लोग चेंज करते हैं, तो इस तरीके से हमने कोडिंग कर लिया, फाइल में जाके इसको हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। सेव करने का मतलब कोई भी नाम से आप सेव कर लो ना, पैराग्राफ है, कलर है, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, मान लो सोनू के नाम से हमने फाइल सेव कर दिया, sonu.html, ठीक है, बिल्कुल सेव कर लिया। आइए डियर देख लेते हैं आउटपुट इसका क्या मिलता है, रन कराते हैं अपनी फाइल को, तुरंत यहाँ पे रन कराएंगे और देख लेते हैं इसका फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, ये तुरंत आपको मिल जाएगा, ओके।
तो बिल्कुल यहाँ पे हमने जो भी डिफाइन किया यू निकाल लें गुरु, रेड कलर रखा हमारा, ये रेड कलर यहाँ पे डिफाइन हो गया। और हमने दूसरे वाले में क्या करा, क्या किया था, ब्लू कलर डिफाइन किया था, तो ब्लू कलर हमारा क्या हो गया, डिफाइन हो गया। इसी की साइज और बड़ा कर लोगे और बड़ा दिखेगा, ठीक है, और कलर चेंज कर दोगे और कलर दिखेगा। इस तरीके से हम लोग काम कंप्लीट करते हैं। तो डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके डियर, थैंक यू।